नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश प्रशासन को कश्मीर संभाग में कार्यरत कश्मीरी पंडित एवं आरक्षित वर्ग कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन अब उन्हें बिना काम के वेतन नहीं दिया जाएगा। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन को इन कर्मचारियों की व्यापक चिंता है, लेकिन वह ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि घर बैठे किसी को भी वेतन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ना तो पूंछ कैडर के कर्मचारी की तैनाती जम्मू और ना ही कश्मीर संभाग के किसी कर्मचारी को जम्मू सूबे में तैनात करने के लिए कोई नीति है। हालांकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो उनकी मांगे हल करने की कोशिश भी करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अलर्ट से वह वाकिफ हैं, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोई मंशा नहीं है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपराज्यपाल ने अगले साल होने वाली श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया। तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जो दूसरे माइनॉरिटी इम्प्लाइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं, इसलिए कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट कार्डर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है, अगर कश्मीर डिवीजन का इम्प्लाई है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है, संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही, मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए, डीसी एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया, कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा, हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है, हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए, जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी, उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, अधिकांश काम के टेंडर हो गए, एक दो बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अब अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे, अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें ये हमारी प्राथमिकता है। देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है, और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी, क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा, और यहां पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी है, बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाए। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, आप आश्वस्त रहिए,
अमरनाथ यात्रा के पहले भी बहुत कुछ हमने सुना था, बहुत भगवान की शंकर भगवान की कृपा से यात्रा बहुत सफलतापूर्वक हुई और हाईएस्ट श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा। जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके, यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पीएम पैकेज के तहत नियुक्त किए गए मुलाजिमों के संबंध में आज दिए गए बयान के विरोध में इन मुलाजिमों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि एक तरफ वो आतंकियों के निशाने पर हैं और दूसरी तरफ उनकी जिंदगियों को वेतन के साथ जोड़ा जा रहा है। शहरी का मसला आपने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा है तो क्या फर्क रहा है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय गोली का शिकार हुआ है, एक दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के सैरियस बंद करने का शिकार हुआ। मुझे बताओ ये एम्प्लॉय जाएगा तो जाएगा? आज हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस प्रिवील करने की बात करते हैं। आपके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आप हमारे इस तरह आप पीएम पैकेज जंबुलाय को रोड पर मत सुनिए। आप एक कश्मीरी पंडित जिसने बलिदान दिया देश के लिए, जिसने देश के लिए काम किया, कश्मीर छोड़ दिया तो किस लिए छोड़ दिया? देश के लिए। हमने सबवर्सिव एलिमेंट्स के साथ कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, हम जहां भी रहे देशभक्त रहे। और अगर देशभक्त लोगों के साथ, अगर पेट्रियाट लोगों के साथ, नेशनलिस्ट फोर्सिंग के साथ ऐसी हालत हो जाएगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में अब अमन के माहौल का श्रेय वहां की आवाम को दिया है। डीजीपी ने आज त्राल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि त्राल के अब आतंकवाद से लगभग मुक्त होने का श्रेय यहां के निवासियों को भी जाता है। उन्होंने युवा वर्ग से भी देश के गद्दारों के बहकावे में न आने और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देने की अपील की है। बड़ा पैगाम ये है कि आज तराल का इलाका बिल्कुल अमन के माहौल का इलाका बन गया है, जहां पर तरक्की और खुशहाली का माहौल जो है वो बाकी जगहों की तरह फिर से पैदा हो रहा है। तराल मिलिटेंसी से लगभग मुक्त हो चुका है, इसके लिए मैं आवाम को, लोगों को मुबारक देना चाहता हूं, नौजवान बच्चों को मुबारक देना चाहता हूं कि वो दहशत का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता, बर्बादी का रास्ता छोड़ के अमन के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि नौजवान बच्चे इसी रास्ते को अपना सही रास्ता मान के चलें, किसी भी सूरत में किसी के बहकावे में आके गलत रास्ता अख्तियार ना करें, क्योंकि जो गलत रास्ते पे चले थे वो लौट के वापस नहीं आए। रास्ते पे चले थे उन्होंने बहुत सारी तकलीफें भी उठाई होंगी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अमन के लिए सबको पहरेदार बन के अपने लोगों को साथ ले करके पुलिस के साथ और सिविल इंतजामिया के साथ खड़े होकर काम करना है, ताकि तराल भी फिर से खुशहाल हो जाए और तराल भी बेहतरीन इलाका बन जाए। तराल की लोग मिसाल दें जैसे आज मिसाल दे रहे हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि जहां पर जो तिरंगे का समागम हुआ उसका आज पता नहीं कितनी जगहों पर जिक्र होता है, किस जगह पर इसका जिक्र हो रहा है कि आज तराल के लोग जो हैं वो अमन के साथ, खुशहाली के साथ खड़े हैं। और मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि अमन और खुशहाली के रास्ते पे सब मिलकर आगे बढ़े। जम्मू सूबे के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हुए धमाके में एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ये विस्फोट नौशेरा सेक्टर के कनारा फायरिंग रेंज के पास हुआ, जिसमें मवेशियों को नाले में लेकर गया 55 वर्षीय शख्स हरबन सिंह पुत्र स्वर्गीय संतोख सिंह घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में नौशेरा के सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजौरी के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया। ये विस्फोट कैसे हुआ इसकी तफ्तीश की जा रही है। इसी बिच अरवान सिंह से अपनी गईया जंगल बिच खिदन वास्ते गया, नाला किनारा किनारे रहने वाले ने गईया खिदने वास्ते गए सन उधर नाले बिच, ते गईया नाल सन, ते अगे इन्हां नूं कोई ग्रेनेड ब्लाइंड मिलिया। इसे तरीके पैर नाल लगा ठुड्डा, पैर ने ठुड्डे नाल उसने चाल पकड़ दी अपनी चाल ने, उसने
कहने फटिया नहीं है, फुस फुस किया था उसने शरा जड़ाया सारा उन्होंने अखियां बिच लगा, दो तीन अंगलियां जिहड़ियां कि फ्रैक्चर हो चुकिया ना ते अंगलियां फ्रैक्चर हो चुकिया ना उत्थों एडमिट किया गया एम एच नशहरा नशहरे थी रैफर करी था जी एच रजौरी ने किया रजौरी थी जी एम सी बिच सिटी स्कैन वास्ते अंदर सिटी स्कैन करा के मुड़ी जी एच बिच एडमिट कराने वास्ते ले गए। सुरनकोट में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अगुवाई एसडीएम सुरनकोट रिजवान कुरैशी ने की। बैठक में नियुक्त एसडीएम ने सरकारी विभागों के कामकाज के अलावा केंद्र की विभिन्न योजनाओं पर चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में सभी सरकारी विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुशीर मिर्जा और डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खबीर ने जम्मू में गवर्नमेंट गुजर बकरवाल हॉस्टल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्टल में लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का उद्घाटन कर उसे स्टूडेंट्स को समर्पित किया। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि इस लाइब्रेरी के बनने से हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बेहद लाभ मिलेगा और वो बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। जैसे कि ये आपको पता है यहाँ पीजी हॉस्टल जम्मू में ना बहुत देर से डिमांड चल रही थी स्टूडेंट्स की कि हमारे पास कोई रीडिंग रूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जैसे रूम्स हैं रूम के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, कोई स्टूडेंट जो है वो मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो दूसरा क्या है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, कोई जनरल अपनी स्टडीज़ कर रहा है, पीजी कर रहा है, ये कर रहा है, तो डिफरेंट करिकुलम है हर एक का अलग अलग, तो टाइम भी अलग अलग है सबका, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस स्टूडेंट को भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ना हो तो यहाँ से इन हाउस उसको लाइब्रेरी मिल जाए और रीडिंग रूम मिल जाए ताकि उसको ना तो डिस्ट्रैक्शन होगी ना ही वो उसके कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर होगी और दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो अपना काम कर सकते हैं और जिसने पढ़ना है वो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी कंसंट्रेशन से पढ़ सकता है और आगे प्रिपरेशन कर सकता है। भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट द्वारा 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले सुशासन दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट द्वारा 7 मंडलों में श्रद्धांजलि समारोहों का आयोजन किया जाएगा जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। इसकी जानकारी आज जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष चांद भट्ट ने दी। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट आने वाले 25 तारीख को 25 दिसंबर को जो इस मंथ की लास्ट संडे है उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मन की बात है हमने ये तय किया है कि हर एक मंडल में एक ही जगह ये मन की बात हम सुनेंगे। हमारे पास 5 मंडल है, उसमें खीर भवानी मंडल है, टिकलाल टेपलू मंडल है, अमरनाथ वैष्णवी मंडल उधमपुर है और दुर्गा मंडल है और उसके अलावा हमारे पास युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है। हम सारे लोग जितने भी कार्यकर्ता है अपने अपने मंडलों में हम ये मनाने जा रहे हैं। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज रहबरे खेल टीचर्स ने जम्मू में प्रदर्शन किया जिसमें जम्मू और कश्मीर के तमाम जिलों के रहबरे खेल टीचर्स शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचर्स का आरोप था कि सरकार ने उन्हें 5 सालों में स्थायी करने और उनके मानदेय को बढ़ाने का वादा किया था लेकिन वो वादा पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे उनमें भारी मायूसी है। तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हैं डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारा यहाँ पे जमा होने का सिर्फ एक मकसद है कि आज हम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक अलार्म भेज रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे कि 5 साल में हमको परमानेंट किया जाएगा और हमारी सैलरी जो है वो एनहेंस की जाएगी लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई मेमो निकाला था 19/5/2022 को। फिर उसके बाद एलजी साहब से हम मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हम बड़े बड़े लीडर से मिले, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि बिल्कुल आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, हम वही आपके साथ भी करेंगे जो पिछले जो आरी जो रहबर थे या रहबरी तालीम या बाकी जितने भी रहबर्स थे उनके साथ जो 5 साल का प्रोबेशन होगा वही आपका भी होगा और आपकी सैलरी भी इनहेंस होगी। लेकिन अभी बातें ऐसी चल रही हैं कि शायद अभी भी ये लोग उसी मेमो पर काम कर रहे हैं जो हमारे साथ एक शेयर इनजस्टिस है। बकाया मानदेय
के भुगतान और नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर पीडीडी के डेलीवेजरों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पीडीडी यूनियन नेता अखिल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पीडीडी के 12,000 डेलीवेजरों को नियमित करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर केवल 300 डेलीवेजर ही नियमित हो पाए हैं। उन्होंने सरकार से जल्द ही अन्य डेलीवेजरों को भी नियमित करने और उनके बकाया मानदेय को जारी करने की मांग की है। पिछली डिमांड पेंडिंग वेजेस क्या है, पेंडिंग वेजेस हमारी बहुत सालों की पड़ी हुई है, हमारी पेंडिंग वेजेस भी रिलीज की जाए। और दूसरा नंबर हमारा एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि पीडीडी के हमने 12,000 लोग परमानेंट कर दिए हैं, यहाँ मात्र 300 लोग ही परमानेंट किए हैं 12,000 से। हम चाहते हैं कम से कम जो एलजी साहब ने ये कहा, हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर राणा जी वो भी बड़ी जोर शोर से कहते हैं हमने पीडीडी के 12,000 जो वर्कर हैं वो परमानेंट कर दिए हैं, लेकिन आज तक पीडीडी के जो लोग हैं वो मात्र 300 लोग ही परमानेंट हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप 12,000 के लिए बोलते हो, हमने 12,000 लोगों का घर के चूल्हे जो जला दिए हैं, लेकिन 12,000 लोग अभी भी सफर कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने 12,000 के लिए किया है तो वन टाइम सेटलमेंट 12,000 लोग परमानेंट होने चाहिए थे। करीब 13 घंटे बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे आज यातायात के लिए खोल दिया गया। उधमपुर जिले के अधीन आने वाले समरोली इलाके में मंगलवार रात 10:30 बजे के करीब बोल्डर गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया था, जिससे जम्मू से कश्मीर व कश्मीर से जम्मू आने वाली कई गाड़ियां रास्ते में ही रोक दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस और हाईवे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी ने आज सुबह होते ही हाईवे से बोल्डर व मलबा हटाने के लिए अभियान छेड़ दिया था और 11 बजे के करीब यातायात को हरी झंडी दे दी गई। कश्मीर घाटी में जहां आज से सर्दियों का 40 दिन का सबसे कठिन दौर यानी चिल्ले कलां शुरू हो गया है, वहीं जम्मू संभाग के जिलों में भी अब ठंड में इजाफा होता जा रहा है। ठंड के जोर पकड़ते ही जम्मू के साथ सटे मैदानी इलाकों में लगातार धुंध और कोहरा अपना असर दिखाने लगा है। खासतौर पर सुबह और रात के समय मैदानी इलाकों को धुंध अपने आगोश में लेने लगी है, जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर होने लगे हैं। धुंध के कारण सुबह के समय ही रोजाना अपने अपने काम पर जाने वाले लोगों को भी काफी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जी आज आप देख रहे हो कि कोहरा इतना ज़्यादा पड़ चुका है, जिसकी वजह से बिजली जो है कोई 15 मीटर से भी कम है। लोगों को ट्रैफिक वाले जो ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। मेरी सबसे अपील है कि आप लोग जो हैं पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन ले कर अपने ड्राइविंग करें, और की वजह से ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है, और ठंड के बीच में खास करके हमारे जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी कोविड अलर्ट जो है बड़ा हाई पे जो है आना शुरू हो गया है। अब गवर्नमेंट ने जो है कोविड के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन जो है वो पास कर दी है, तो मेरी अपील है सबसे कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने आप को ठंड से बचाएं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो है उसको बचाएं। सूर्यपुत्री तवी के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कछुआ चाल चल रहे हैं, जिससे लेकर तवी बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों में भारी रोष है। तवी बचाओ आंदोलन के संयोजक चंद्रमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने सूर्यपुत्री तवी के संरक्षण को लेकर काम तो शुरू किया था, लेकिन ये काम कछुआ चाल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने जम्मू शहर से निकलने वाले 17 गंदे नालों को डाइवर्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसके अलावा नगरोटा में बनी अवैध बस्ती की गंदगी से के साथ साथ सिदला की गंदगी भी सूर्यपुत्री में डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि झील तो बन जाएगी, लेकिन इसमें गंदा पानी जमा होगा और इससे उठने वाली बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। बात यह है, सरकार हीली तो है, पर जितनी तेजी से काम होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनाउंस किया था कि 10 महीने के अंदर यहाँ झील बन जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि नगरोटा बाईपास के पास जो नजायज़ बस्ती बनी हुई है, उन्होंने किसी ने भी फ्लश लैटरिन के सेपरेट टैंक नहीं बनाए, सारी गंदगी तभी के अंदर पड़ती है। उसके अगर आगे आ जाएँ तो सीधे वाले पुल के नीचे सीधे
तरह से जितना गंद होता है म्यूनसिपैलिटी के जो एम्प्लाइज हैं सब उसके ढेर लगे हुए, मैंने फोटो भी उसके लाए हुए हैं, वो सारा पानी आएगा इससे। इधर जो 17 नाले गंदे पड़ते थे उनको डाइवर्ट करने का या STP लूप बनाने का जो काम है बड़ा शोर चल रहा है। मुझे लगता है कि झील जल्दी बन जाएगी और गंदगी हटेगी नहीं, और ये सारा गंदा पानी जो है ये उसकी झील बन जाएगी, बदबू आएगी लोगों को, कोई अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा दो जगह ऐसी हैं, जैसे ये कंपनी बाग का पंप है जैसे पानी ज़मीन से निकालते हैं, ऐसे ही साइंस कॉलेज के पीछे एक वो है पंप लगा हुआ है, तो इस पानी सीपेज करके गंदा पानी इनके ज़रिए भी लोगों को जहाँ से लोग पानी पीते हैं वहाँ चला जाएगा। जहाँ पर गवर्नमेंट की भी थोड़ी सुस्ती है, ये तभी का शास्त्रों में ग्रंथों में इतना वर्णन है, इसकी इतनी पूजा होती है, तो इसको बिल्कुल पवित्र समझा जाता है। मैं जब छोटा था तो यहाँ पर हम नहाते थे, पानी घर पे पानी पीते थे, और दिन त्यौहार को पर्वों पर हम यहाँ पर स्नान करते थे, बैसाखी हुई या और हमारे हिंदू जितने भी त्यौहार हैं जहाँ पर नहाया जाता था। आज की जो दुर्दशा देखकर जहाँ को पानी छूने को दिल भी नहीं करता है, हाथ लगाने को दिल भी नहीं करता है, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर लोगों का तो जहाँ रोल है ही है, गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों का रोल है। जैसे ही आदमी मुड़ता है तो पीछे से अगर वो जो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, ये मेरे पीछे जो साइड पर जो या जो किनारा है तभी आप देख रहे हैं नाला जा रहा है, कितनी बदबू है, कितना गंद है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ जल्द से जल्द तभी की पवित्रता को ये जो है उसको ठीक करें, ताकि हिंदू धर्म को जो कोई आँचना है, क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा यमुना के बाद तीसरा नंबर जो हमारी तवी का है। जम्मू शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हर तरह के प्रयास कर रही है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस जगह जगह नाके लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर जम्मू शहर में यातायात जागरूकता अभियान भी चलाया। हाँ जी सर, हम उनको भी सिखा रहे हैं कि अपनी अवेयरनेस के लिए आपको ये सब कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि आगे जाके कोई मुश्किल ना आए। हम आपसे डीडी रघुड़ा से आए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपकी सेफ्टी आपकी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने सीट बेल्ट पहन के जाइए, आप लाउडमाउथ मत करिए, अपना लाइसेंस, अपना इंश्योरेंस, अपना फ्यूचर, अपना साथ, अपना सारा सामान जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ साथ रखिए। और अगर आप जा रहे हो, अगर आप ट्रिपलिंग कर रहे हो तो आप अपना हेलमेट लगा के जाइए, ये आपकी सेफ्टी उन्हीं की सेफ्टी के लिए है। हमारे उनके पीछे उनके परिवार भी है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके परिवार वाले कितने दुर्घटना से होते हैं, कितना रोते हैं, वो आपको खुद देखते नहीं थे। और हम यहाँ पर इसलिए आए कि हम लोगों को अवेयर कर सके कि जितनी ज़्यादा सेफ्टी हो सके, लोगों के जितने एक्सीडेंट हो वो कम हो, बस हमारा यही मोटिव है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। सीखा कि अगर हम खुद भी कभी हम ड्राइव करते हैं तो हमें खुद भी ये सेफ्टी का फॉलो करना चाहिए, हमें खुद भी हेलमेट लगाना चाहिए, हमें अपना जितना भी हमारे वो है डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं जैसे कि हमारे इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, लाइसेंस हो गया, वो हमें अपना साथ रहना चाहिए। इससे हमारी सेफ्टी तो होती ही होती है, साथ में हमारी फैमिली की भी। जीएमसी अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने जीएमसी के AMT स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि जीएमसी नर्सिंग स्टूडेंट्स को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। इसके अलावा जीएमसी प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना था, आइए वो भी देखते हैं। अभी काफ़ी नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं, तो एक गंग्याल का नर्सिंग कॉलेज था और एक हायर एजुकेशन का भी, तो ये सारे हायर एजुकेशन का जो है वो भी हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने ले लिया है। अब ये ऐसे बड़े फैसले हुए हैं कि हमारे पैरामेडिक्स जो हैं खासकर नर्सिंग स्ट्रीम जो है ये बेटर क्वालिफाइड हो, इनके पास डिग्रीज हों और अच्छी स्किल्ड मैन पावर हमारी बन जाए, तो उसके लिए हमने आज पूरा अपना AMT स्कूल का
नुक एंड कॉर्नर विजिट किया, जिसमें उनके जो स्किल्ड ट्रेनिंग टेक्निक्स, स्किल लैब हो गए या एनाटमी न्यूट्रिशन लैब, वो सारी उनमें कोई कमियां तो नहीं है, वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और एक और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जब कुछ हमें अंडर ग्रेजुएट्स की सीट्स एनहांस हुई थी, तो नर्सिंग हॉस्टल का कोई 4 करोड़ रुपया हमारे को दिया गया, जिसमें हम एक हॉस्टल ऐड कर सकते हैं। तो रीमॉडलिंग करने की ज़रूरत है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशंस का स्कोप रहता है। इसमें आज हमने AMT स्कूल में ही पूरा दिन डेडिकेट किया, ताकि बच्चों की कोई अगर वहाँ पे उम्दा पढ़ाई को लेके कोई अगर कमियाँ हैं या कुछ एडिशनल किया जा सकता है, तो वो साथ साथ देखने की ज़रूरत समझी गई, इसलिए किया भी गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।